ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह क्या हो रहे हैं 7:30 और फिलहाल अभी तो मैं काफ़ी देर से जो है एडिटिंग में लगा था। एक्चुअली कल रात में मैं 10 बजे ही सो गया था, पता नहीं खाने के बाद में वॉक करने नहीं गया, बेड पे लेटा भाई साहब तुरंत नींद आ गई, तो इस वजह जो है सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल गई और उसके बाद में मैं छत पर चला गया। जो शाम को वॉक नहीं की थी वो सुबह की, भाई सुबह सुबह वॉक करो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो फिलहाल जो है अभी चलते हैं किचन में, और रनी भी उठ गई हैं, वो भी आई थिंक ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर रही हैं। तो फिलहाल आज ब्रेकफास्ट में बना है उपमा और उपमा पोहा में मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है कि भाई पोहा है या उपमा। इसमें भी जो है हरा धनिया और थोड़े से काजू ऐड किए जाएंगे फ्राइड। और अनी ने बनाया, आपने टेस्ट कर लिया, सॉल्ट वगैरह सब कुछ सही है? सही होगा नहीं, चेक कर लो एक बार। उठो बेटू, ये देखो बेटू उठो, ये देखो इतनी देर से सो रही हो, सीधी खड़ी हो, खुद से बैठो बेटू, सीधी बैठो। अब मैं गोद नहीं लूंगा भाई, बहुत देर हो गई, आप उठो, ऐसे कैसे उठोगे? अरे मेरा हाथ छोड़ो, गिर बच्चे। फाइनली शनाया उठ गई, मेरा बेटा उठ गया। अरे पापा को ऐसे उठाती है, पापा ऐसे उठाते हैं। आप तो खूब सोई हो, अच्छे से आपकी नींद भी पूरी हो गई है। मम्मा शनाया उठ चुकी है, इसे नहला दो फटाफट, इसे जाना है छोटा भीम के पास। प्ले करने जाना है? क्यों नो, चली जाओ भाई, जल्दी आ जाना, मम्मा वहीं रहेंगी, हम लोग मैं आ जाऊंगा फटाफट आपको लेने। ठीक, मम्मा से बोल दो, मम्मा प्लीज, मम्मा आपका टिफिन रेडी कर रही है बेटा अभी, ठीक है? थैंक यू। और आज फिलहाल हम लोगों की एक शादी में जाना है, उस दिन जो हम लोग तिलक अटेंड करने गए थे, तिलक वाला प्रोग्राम, तो आज उसी बंदे की शादी है, मतलब मेरा भाई है। तो हम यहीं पे जो है एक हरदोई के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे बारात जाएगी, तो फिलहाल हम लोग वही आई थिंक बारात जब हरदोई आ जाएगी, मतलब बैक साइड से ही आ रही है, जब यहाँ आ जाएगी तो हम लोग जो है साथ साथ ही निकलेंगे, फुल इंजॉय करेंगे भाई। वैसे जो है पहले प्लान था कि जो है वहीं गांव जाएंगे, वहीं से जो है साथ साथ में निकलें, बट एक्चुअली कोर्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा काम है, और भाई साहब जिस दिन काम हो ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस दिन अचानक से इतना ज़्यादा काम आ जाएगा, 4 फाइल जो है एविडेंस में लगी है, अगर पूरा काम निपटाओ ना तो शाम के 6 तो यही बच जाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं कैसे क्या मैनेज करना है, अभी तो फिलहाल हेयर कट के लिए भी जाना है, कल शाम को गए थे हो नहीं पाया था, बहुत सारा काम है। जिस दिन फ्री हो उस दिन भले ही कम काम हो, जिस दिन काम हो उस दिन और भी काम आ जाएगा। हाय करो मिट्टू, हाय हाय कर लो, नो फिंगर शनाया, नो फिंगर हाय करो एक बार, बैड मैनर्स। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ शनाया को इनके स्कूल ड्रॉप करने, ये 1 लीटर दूध दे दीजिए, कल की डेट वाला हूँ। और अभी फिलहाल मैं शनाया को भाई साहब छोड़ने गया था, बिल्कुल साफ बच गया, वहीं पे मैं एक्चुअली सब्जियां खरीद रहा था, तो एक कुत्ता आया और उसने पीछे से मतलब हल्की सी मेरे टंग लगा ही पाई, अगर भाई साहब मैंने थोड़ा सा मतलब टाइम उसे मिल जाता, मैंने पैर हटा लिया चांग से, थोड़ा सा टाइम मिल जाता ना, क्या यार। एक्चुअली मैंने शॉर्ट्स पहन रखा था, अब मैं जाऊंगा कभी भी बाहर तो भाई पूरा फुल पैंट या लोअर पहन के जाऊंगा। फिलहाल ब्लॉग मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी एक्सपोर्ट पे लगाया, एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद में उसे लगाते हैं अपलोडिंग पे। एक्चुअली टाइम हो रहा है 9:50, हम लोगों का अपॉइंटमेंट भी है 10:15 का, देखो रही चलो, चलना नहीं है, चलो फटाफट चलो चलो चलो। अभी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बढ़िया है, क्या बना रही हैं आप आज? सिर्फ दाल से काम नहीं चलेगा, सोच रही हूँ दाल बनाया निकल ले। तो फिलहाल राइट टाइम मैं आ गया हूँ अपना हेयर कट के लिए, क्या हो गया पैर में? बनाया होती मस्त अपना इधर उधर घूमती, फिलहाल हेयर कट कंप्लीट हो गया, भाई ने कट किया, यहाँ पे क्या नाम है भाई? फिलहाल मैं तो वापस आ गया हूँ, हनी को एक्चुअली थोड़ा टाइम लग गया, तब तक मैं कोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। बैक टू होम, और शनाया के कुछ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो पड़े थे काफ़ी दिनों से, तो एक्चुअली उसका जो है स्कूल तो इतने दिनों से जा रही है और स्कूल में देने थे, हनी जो है काफ़ी बार कह चुकी हैं कि फ़ोटो कब लाओगे आओगे, तो फाइनली आज मुझे ध्यान आ गया, फ़ोटो भी ले आए हैं, तो मैंने भी अपने फ़ोटो मंगवा लिए, कभी कभी जरूरत पड़ते रहते हैं, तो भूख भी लग गई है। और फिलहाल अभी टाइम कितना हुआ, 4 to 5 हो रहा है, वाटरमेलन कट करो भाई, खाएं फटाफट। और सनाया तो अभी सो रही है, तो हम लोग वही शादी में आई थिंक 6 या 6:15 के अराउंड यहाँ से निकलेंगे। वाटरमेलन वाले ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 100% रेड निकलेगा, यार ये लोग पता नहीं वहाँ पे जो रखते हैं ना सो के लिए उसमें कलर वगैरह लगा देते हैं क्या, वो बहुत ज्यादा रेड था, क्या इससे भी ज्यादा अच्छा निकलेगा? हमने कहा देखो भाई, तो फिलहाल सही लग रहा है, बट देखो पता नहीं कैसे पता होता कि ये रेड निकलेगा, वही जो है अरे ऐसा हमने ऐसा देखा है, घर पे ऐसे बिना कट करा लिया हो तो कलर नहीं होता। तो फिलहाल अनी जा रही है पार्लर, तो इन्हें मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ, और शनाया की नींद जो है पूरी नहीं हो पाई, इसलिए बेचारा जो है बच्चा रो रहा है मेरा,
बेटू मम्मा जा रही हैं, आपको फालतू में डिस्टर्ब कर रही हैं। बनाना खा लीजिए। मुझे लेट करा दिया आपका, हमेशा यही रहता है। उसे लग रहा है कि मैं स्कूल जाने लगी हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए गुस्सा कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, अभी ये सीजर पकड़ी थी तो हमने इसे छीन लिया। बहुत तेज गुस्सा कर रही है, उल्टा ऐसा लग रहा है हमारे तो दादाजी हटो आप इसे हटिए दादाजी। फिलहाल अन्नी को ड्रॉप करके मैं वापस आ गया हूँ और फटाफट जो है मैं भी रेडी हो जाता हूँ। भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम होगा, 6 बज गए ये, क्योंकि प्लान था कि 6 बजे यहाँ से निकलेंगे और बारात बाय द वे हरदोई पहुँचने वाली है, वो मुझे लग रहा पहले पहुँच जाएगी, हम लोग लेट पहुँच पाए। तो फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ और 6:37 हो गए यहीं पर, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया भाई साहब। भाभी जी आ गई हैं फिलहाल। हाय भाभी जी, आज मेरा खाना नहीं बनेगा, निमान चला के हम लोग जा रहे शादी में, आप यहाँ बना के रखो ठीक है। एक्चुअली भाभी जी को बताना पड़ता है ना, वैसे भले ना बनाए अगर हम नहीं बताएंगे और जा रहे शादी में तो ये बना देंगे, है ना। फिलहाल हम लोग तो निकल चुके हैं, साथ में जब मैंने अमन को बुलाया था इधर राइट हैंड यानी को भी रिसीव करना है। मैं भी आ गई है रेडियो के। बेटू कहाँ जा रही हो आप? इधर इधर चलो, इधर इधर ही निकलो, इधर इधर। और अनी भी रेडी हो गई है। हाय गाइस, आई एम रेडी। कहाँ जा रही हो? शादी में जा रहा हूँ। ठीक गाइस, मैं शादी में जा रही हूँ, बोल दो बेटा। मम्मा, मम्मा के पास जाना है क्या? मम्मा के पास बैठी रहो बेटू, आगे चलो। तो फिलहाल हम लोग जो है बहुत ही बुरी जाम में फंस गए हैं, देखो पूरा पैक हो गया, काफी देर से हम लोग खड़े हैं, पता नहीं कितने बजे निकलेगी गाड़ियाँ, पूरा जाम लग गया पीछे तक। Tomorrow you'll regret it, but until the morning, dance with me baby, take away the pain, dance with me baby, you can lead the way, dance with me baby, a cure for the heartbreak, dance with me and let this old record play. Arriba. Good morning, aap dekhi main apne plans ko na बात दे रही हूँ। वाह वेरी गुड, देखो मेरा मैं भी ऐसे ही।